ऐसा है कि उन्हें अपना चेहरा दिख रहा है आईने में। 370 और 35A के जाने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता, उनकी वहां की आवाम को अधिकार मिले हैं। 100 से ज्यादा ऐसे कानून जो पूरे देश में जनहित के थे वो अब जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं, जिन्होंने पूरे 70 साल देश की बेटियों को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को वहां गुलाम बना के रखा, वहां के एससी भाइयों को गुलाम बना के रखा, एसटी और पहाड़ी भाइयों के अधिकारों को छीन के रखा। वो उनके मुंह से गुलामी की बातें, फारूक अब्दुल्ला साहब, 7 दशकों का पाप जम्मू कश्मीर की जनता, आपके किए हुए 7 दशकों का पाप याद करती है। और रोचित रूप से चुनाव होंगे और जल्दी होंगे, चुनाव आयोग को उसको घोषणा करनी है। परिसमन हो गया है, वोटर लिस्टों पर काम हो रहा है, वो छाया होंगी, सबको इतराज के लिए चाहिए, इतराज होंगे, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ कोई बाप बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा बैठ के नहीं, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंटली हर चीज को, चुनाव होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ये कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री खुद कर चुके हैं। पर जो लोग आज ये प्रश्न उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने पंचायती राज लागू क्यों नहीं किया था? और आज जब पंचायती चुनाव आया, BDC चुनाव आया, आपने बहिष्कार क्यों किया? 100-100, 200-200, 500-500 वोट से लोग मंत्री बनते थे, 1000-2000 वोट मिलने पर ये लोग लोकसभा में पहुंचते रहे। बायकाट की राजनीति को इन्होंने वहां अपना हथियार बना रखा था और लोकतंत्र की कत्ल किया हुआ था। आज वहां सच्चा लोकतंत्र खड़ा हुआ है, तो चाहे अब्दुल्लाज हो, चाहे मुफ्तीज हो, चाहे राहुल गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार हो, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है।